पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों की मृत्यु के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार, ऐसा आरोप सांसद बालू धानोरकर ने चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किए गए जवाब दो आंदोलन में किया। तो आइए देखते हैं सांसद बालू धानोरकर ने इस संबंध में विस्तार पूर्वक खुलासा करते हुए क्या आरोप किया इस खबर में। चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामू तिवारी के नेतृत्व में सोमवार 17 अप्रैल को शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास कस्तूरबा चौक में जवाब दो आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में सांसद बाड़ू धानोरकर के साथ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले शहर जिलाध्यक्ष रामू तिवारी, प्रदेश के पदाधिकारी विनोद दत्तात्रेय, ज्येष्ठ नेता के सिंह, प्रवीण पड़वेकर, युवक कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष राजेश अडूर, प्रीति शाह, इरफान शेख, मनोज खांडेकर के साथ नरेंद्र बोबड़े तथा अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर सांसद बाड़ू धानोरकर ने मोदी सरकार को पुलवामा अटैक में शहीद हुए 40 जवानों की मृत्यु के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इस संबंध में जवाब दो मोदी, जवाब दो, यह आंदोलन किया गया। तो सुनिए इस मौके पर सांसद बाड़ू धानोरकर ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए क्या कहा स्वयं उन्हें जुवानी। गाड़ी मुस्ताफे में जाके टकराई, ये बात छुपाने के लिए उनको, ये बात बाहर बोलने के लिए उनको मना किया गया था। सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल थे उनको ये बात बाहर बोलने के लिए मना किया था। उनका कहना था कि ये जो इंसिडेंट हुआ जिसमें 40 जवान शहीद हुए, इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में होने वाला था और उन्होंने ये 40 सैनिकों को मार के ये देश में सत्ता हस्तगत की लोकसभा की, क्योंकि 14 फरवरी 2019 में ये इंसिडेंट हुआ और अप्रैल में इलेक्शन थे, वही इलेक्शन में उन्होंने ढिंडोरा पीटा। और आज हम चाहते हैं कि ये 40 जवानों के हत्यारे, ये 300 किलो RDX नहीं, तो ये मोदी जी है, ये अमित शाह जी है, ये गृह मंत्रालय के लोग हैं, यहाँ पे सत्ता में रहने वाले ये BJP के लोग हैं। और यही नहीं कि LIC के शेयर्स 3.5% मोदी सरकार ने बेचे हैं, उसका IPO के माध्यम से 20,557 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए हैं। हम उनको ये भी पूछना चाहते हैं कि वो 20,557 करोड़ रुपए गए का, उसका भी हिसाब हमें चाहिए। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव यारकर की रिपोर्ट।